नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं योग भारती हिंदी पाठ्यक्रम के अनुसार सातवीं रचना पेड़ को लेकर अर्थ इस रचना को लेकर हम देख रहे हैं, जो कि इस रचना के पहले भाग में हमने कुछ इस कविताओं की काव्य पंक्तियाँ देख चुके थे, इसका विश्लेषण आपके सामने हो चुका था। तो पेड़ होने का अर्थ इस कविता के माध्यम से डॉक्टर मुकेश गौतम जी, जो मानवीय जीवन तथा पेड़ों का जीवन, ये दोनों जीवन दर्शन हमारे सामने रखकर हमें पेड़ हमारे जीवन के लिए कैसे प्रेरणा स्थान है, हमें क्या शिव देते हैं, आदमी पेड़ नहीं हो सकता, कुछ पंक्तियों के माध्यम से मुकेश जी ने हमारे सामने ये सारी बातें रखी थी। और हम यहाँ तक आ चुके थे कि पेड़ हौसला है, यानी हिम्मत है, हिम्मत को दर्शाता है। तो पेड़ के जीवन को हमारे सामने रखकर डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने हमारे सामने जो बात रखी थी कि पेड़ भले बुरे हालात का सामना करता हुआ, लड़ता हुआ, वह किसी के पांव नहीं पड़ता है। दूसरी बात हम देख चुके थे कि पेड़ अकेला किसी झील के किनारे होता है, सड़कों के किनारे होता है, किसी जंगल के बीच होता है, किसी जंगल के अंतर्गत के बहुत ही क्रूर से क्रूर ऐसे जो प्राणी मात्राएं हैं, भेड़िया हैं, बाघ है, शेर है, इनकी जो दहाड़ है, गर्जना है, उसे सुनकर वह डरता नहीं है, बल्कि अपना जो कार्य है अंकुरित हो जाने से लेकर ठूट मात्र हो जाने तक वह निडरता के साथ वह अपना जीवन व्यतीत करता है, प्रस्तुत करता है। और ये जो पेड़ का जो जीवन है, ये पेड़ का जीवन मानवीय जीवन के लिए एक संकेत करता है। और हम यहाँ तक ये सारा सामना करता रहता है, वो किसी के सामने झुकता नहीं है। एक पंक्ति थी, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है, बहुत मौलिक बात या कवि ने हमारे सामने रखी है कि पेड़ निडरता के साथ वह लड़ता रहता है अपने जीवन के अंतर्गत। कैसे भी परिस्थिति आए, तूफान आए, आंधी आए, कोई राजा आए, महाराजा आए, महाप्रतापी आए, फिर भी वह किसी के सामने झुकता नहीं है, किसी के पांव पड़ता नहीं है। बड़ी मौलिक बात है। और दूसरी बात, ऐसे अनेक प्रकार के क्रूर से क्रूर ऐसे लोगों की गर्जनाओं को लेकर भी वह डरता नहीं है। और इन्हीं सभी जो मुसीबतें हैं पेड़ के जीवन में आ जाती हैं, कभी बताना चाहते हैं कि इन मुसीबतों को देखते हुए किसी भी पेड़ ने दूसरों की हत्या की है ऐसा कभी नहीं हुआ। या अपने जीवन के अंतर्गत आए हुए तूफान, आंधी या भयंकर ऐसे क्रूर से क्रूर ऐसे प्राणियों का सामना करने की नौबत आई पेड़ के सामने, इसीलिए इसे तंग आकर उन्होंने आत्महत्या नहीं की है। पेड़ ने कभी आत्महत्या की है ऐसा कभी हमने सुना है क्या? तो विद्यार्थी मित्रों, बिल्कुल नहीं है। पेड़ ने गुस्सा आ गया है उसे इस बातों को लेकर, आंधी तूफानों का सामना करते करते, और उन्होंने किसी की हत्या की है ऐसा हुआ है क्या? तो ऐसा भी नहीं हुआ है। तो ऐसा ये पेड़ का जीवन है, जो हिम्मत हौसले के साथ वो अपना जीवन जीता है। तो यहां कवि क्या बताना चाहते हैं? कवि ये बात बताना चाहते हैं कि कठिन ऐसी परिस्थिति का सामना करना हिम्मत के साथ, क्रूर से क्रूर प्राणियों के बीच रहकर भी निडरता के साथ खड़े रहना,
ये जो सारी बातें हैं, ये पेड़ हमें सिखाता है, और इन बातों को लेकर जो हत्या और आत्महत्या की जो बात है, ये पेड़ों के माध्यम से कभी नहीं होती है। तो बड़ी मौलिक बात यहाँ कभी हमारे सामने रखना चाहते हैं, जो कि इसकी तुलना में अगर संदर्भीय अगर मानवीय जीवों को लेकर यहाँ लिया जाए तो हम छोटे छोटे संकटों का सामना करते हुए तंग आते हैं। किसी क्रूर ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाने के बाद उससे तंग आते हैं। हमारे मन में कई बार ऐसे विचार आते हैं कि उसकी हत्या कर दूं। और आज जो समाज के अंतर्गत जो हत्या होती है, ये क्रूरता के कारण होती है, असहायता के कारण होती है, तंग आ जाने के कारण होती है। और दूसरी बात, आज हम हमारे समाज के अंतर्गत ये दूसरी बात हम देखते हैं कि हम मनुष्य आज आत्महत्या क्यों करता है। तो आत्महत्या का कारण क्या है? तो मानवीय जीवन के अंतर्गत आए हुए ये जो अनेक प्रकार के संकट है, अनेक प्रकार की मुसीबत है, या किसी के माध्यम से वह अगर यानी क्या है किसी के दबाव में आ रहा है, या हम अपने जीवन के अंतर्गत असफलता प्राप्त होती है, या कोई चीज यानी हम जो सपना देखते हैं उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, इसके कारण हम आत्महत्या करते हैं। लेकिन पेड़ ने कभी आत्महत्या की ऐसी बात नहीं है, और पेड़ जितना संघर्ष करता है उसकी तुलना में मनुष्य बिल्कुल संघर्ष नहीं कर सकता है। इसलिए हौसला क्या होता है, पेड़ होने का जो अर्थ क्या है, तो हिम्मत के साथ जीवन को आगे बढ़ाना ये बात है। और किसी भी प्रसंग में या कैसा भी प्रसंग आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, आंधी हो या तूफान हो, फिर भी उसे डर कर हत्या करने की बात या आत्महत्या करने की बात हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। तो ये सुंदर ऐसी बात या पेड़ के जीवन दर्शन के माध्यम से मानवीय जीवन के लिए प्रेरणादायी बात यहाँ उभर कर आती है, इसे याद रखनी चाहिए। तो आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों कि आगे अगली कुछ पंक्तियां, थके राहगीर को देखकर छांव व ठंडी हवा, थके राहगीर को देखकर छांव व ठंडी हवा राह में गिरा देता है खून, राह में गिरा देता है खून और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का, और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई, देता है सभी को विदाई। तो अगली कुछ पंक्तियाँ जो कि हौसले को लेकर जो कवि ने हमारे सामने रखी है उसको लेकर हम देखना चाहेंगे। तो थके राहगीर यानी यात्री, जो रास्ते से जाने आने वाले ये जो मुसाफिर होते हैं उसी को राहगीर ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ कवि ये बताना चाहते हैं कि थके राहगीर को देखकर छांव व ठंडी हवा राह में गिरा देता है खून। पेड़ का जीवन क्या है? पेड़ जो अपना जीवन जीता है किसके लिए जीता है? और इतने सारे मुसीबतों का सामना करते करते वह इतना संघर्ष करता हुआ उसका जीवन में जीवन जीने का अर्थ क्या है? तो त्याग है। तो रास्ते से आते जाते जो मुसाफिर है, जो कि इस त्रासदी में दुख के त्रासदी में जब थक जाते हैं तो किसी बहुत बड़े पेड़ की छांव में जाकर रुक जाते हैं। तो पेड़ वहां उन राहगीरों को क्या देता है? तो ठंडी हवा देता है और छांव देता है। इतने इन्हें सुस्ताने के बाद सुस्ताने के बाद वह राहगीर इस छांव की ठंडी छांव की हवा को लेकर जब निकलता है तो ऊपर से ये राहगीरों के ऊपर ये पेड़ फूल बरसाता है। फूलों का बरसाना ये किसका संकेत है? स्वागत का संकेत है। अरे आए हुए मुसाफिरों का वो स्वागत करता है और उसके ऊपर फूल बरसा कर अपने जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ाने का हौसला देता है, हिम्मत देता है। तो ये किसके माध्यम से होता है? पेड़ के माध्यम से होता है। पेड़ का ये जो त्यागी रूप है
और उनके लिए जो अपना जीवन समर्पित करता है वह सुंदर रूपेण पेड़ का यहाँ दर्शाया गया है। तो आगे बढ़ने का इशारा करता है, पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई, बड़े लाड़ प्यार के साथ अपने छाव में समेट कर लेता है, ठंडी हवा देता है, फूल ऊपर से बरसाता है, फल चपने को देता है, उसका सरलता के साथ स्वागत करता है और फिर उसे विदाई भी देता है। आगे जाने के लिए वह विदाई भी अपने सरलता के साथ दे देता है, आत्मीयता और अस्था के साथ दे देता है। तो यह है पेड़ का पूरा अपना जीवन औरों के लिए समर्पित कर देने का ये जो भाव है। अब देखिए इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो कवि क्या बताना चाहते हैं, तो कवि ये बताना चाहते हैं कि पेड़ हमारे लिए एक शिक्षक है, अध्यापक है। पेड़ के माध्यम से हमें सामाजिक उत्तरदायित्व तो क्या होता है, जीता तो हर एक व्यक्ति अपने लिए जीता है और जो खुद के लिए जब आदमी जीने लगते हैं, इसे कवि ने कहा है, जब आदमी खुद के लिए जीने लगता है उस समाज या उस देश की हर एक चीज बिकाऊ होती है, ऐसा कहा था किस कवि ने। क्योंकि मतलब स्वार्थ को रख कर जो जीता है उस समाज का और उस देश का, देश की उन्नति और विकास कभी नहीं होता है। लेकिन ये जो भाव है पेड़ का एक शिक्षक के समान ये है, जो कि हमें मार्गदर्शक है, हमें प्रेरणादायी ऐसी बातें बात समझाने की कोशिश पेड़ अपने जीवन को सामने रखकर करता है कि मैं जो जी रहा हूँ खुद के लिए नहीं है, औरों के लिए। मेरा जीवन जीने का मतलब क्या है, तो औरों के छाव देने के लिए, औरों को ठंड हवा देने के लिए, औरों के ऊपर फूल बरसाने के लिए और औरों को अपने जीवन के रास्ते पर अच्छा मार्ग दर्शाने के लिए या उसके अंदर हिम्मत देने के लिए वह पेड़ जीता है। तो यहाँ कवि क्या बताना चाहते हैं, तो कवि यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य भी अपने जीवन के रास्ते पर जब कुछ यश प्राप्त करता है, ख्याति प्राप्त करता है, धन दौलत प्राप्त करता है और सब मिलने के बाद मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है। पेड़ जब बड़ा होता है तो ये समाज के लिए इतना करता है, राहगीरों के लिए इतना करता है और हम क्या करते हैं। तो यश प्राप्त हो जाने के बाद, धन प्राप्त हो जाने के बाद, यह जो ख्याति यश प्राप्त हो जाने के बाद हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और अहंकार आ जाने के बाद हमारा जो परम कर्तव्य है, जो हम जिस समाज के बीच रहते हैं, जिस राष्ट्र के बीच रहते हैं, उस राष्ट्र के प्रति का उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व, हमारे पारिवारिक उत्तरदायित्व को हम निभाते हैं क्या। तो इसका उत्तर देखो मित्रों, अगर सचमुच अगर देखा जाए तो उसका उत्तर नहीं है, क्योंकि उतनी उदारता और उदात्तता हमारे अंदर है ही नहीं है। इसलिए गौतम डॉक्टर मुकेश गौतम जी ये बात यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि अपने जीवन रूपी इस पेड़ का भी अर्थ यही है। मनुष्य के जीवन रूपी पेड़ का अर्थ, होने का अर्थ, मनुष्य होने का अर्थ ये है। तो इसकी तरफ यहाँ संकेत करते हैं कवि। तो यह है इन पंक्तियों के माध्यम से एक सुंदर संदेश निकल कर आता है जो कि इसे हमें याद रखना है। तो बच्चों आगे देखिए, गांव के रास्ते का वह पेड़, गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है, चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है,
जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। हौसले का अर्थ यह है कि हिम्मत, और हौसला ये जो है कहा इसका जो अर्थ है विद्यार्थी मित्रों, जो कि पशु पंछी किसी पेड़ के ऊपर तिनके के माध्यम से जो अपने बरसात के दिनों में रहने के लिए जो घोंसले बनाते हैं, घर बनाता है, इसको घोंसला ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ कभी क्या बताना चाहते, देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से, अगली कुछ पंक्तियों के माध्यम से, गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। कवि बताते हैं कि ये जो आज का जीवन है, वर्तमान का जीवन है, आपाधापी का जीवन है, व्यस्त जीवन है, आज के अगर देखा जाए तो आज मनुष्य को ये वर्तमान यानी समय की एक कविता है, आधुनिक युग की कविता है, नई कविता है, आज की समस्याओं को यहाँ उठाया गया है। आज आदमी अपने रोजी रोटी के लिए गांव को छोड़कर शहरों में आकर बसा हुआ है, शहर की चमक दमक उसे आकर्षित करती है, और कभी यानी मजबूरी के साथ यहाँ आना पड़ता है रोजी रोटी के लिए, और कई समय तक शहरों के इस सीमेंट के जंगल में हमें रहना पड़ता है। और गांव का जो जीवन है ये अलग प्रकार से है, और शहरों का जीवन अलग प्रकार से है। तो कभी बताते हैं कि इसी के माध्यम से जब मैं कभी गांव के रास्ते पर यानी मेरे घर के खिड़की से बाहर देखा तो एक पेड़ था, ऐसी बात मैंने पहले इसी पंक्ति काव्य पंक्ति में कही थी। तो ये जो पेड़ है बहुत बड़ा ऐसा पेड़ है गांव के रास्ते पर जो टेढ़ा पड़ा है, बुजुर्ग पेड़ है, और ये पेड़ जो है टेढ़ा पड़ा है, रात भर तूफानों से लड़ा है, खुद घायल है। देखिए कि ये पेड़ है, लेख कवि निरीक्षण करते हैं, संवेदनशील कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम जी, और ये बताते हैं कि इस पेड़ को मैं रास्ते से आते जाते देखता हूँ, तब यानी क्या है, बहुत बड़ा पेड़ है, थोड़ा सा झुका हुआ है, बुजुर्ग पेड़ है, और इसका ये जो कार्य है राहगीरों को राहत देना, ये कई दिनों से चला आ रहा है। और मैं देख रहा हूँ, जब भी कभी गांव आता हूँ तो मैं इस पेड़ को देखता हूँ, और मैंने देखा है कि रात भर वो तूफानों से लड़ा है, खुद घायल है, भयंकर ऐसा संघर्ष उन्होंने किया है। लेकिन क्या तुमने नहीं देखा कि इस पेड़ के डालियों के ऊपर जो चिड़ियों ने घोंसला बना दिया है, इस घोंसले में यानी इनके जो छोटे छोटे यानी पीले हैं, इस घोंसले के अंदर है, लेकिन उसको बिल्कुल हानि उन्होंने होने नहीं दी है, खुद संघर्ष तूफानों का सामना करता रहा, लेकिन चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चे का ये जो घोंसला है जैसे कि वैसे वहां सुरक्षित रखा गया है, और हौसले के साथ संघर्ष का सामना करता हुआ औरों की हिफाजत करने वाला, औरों को संरक्षण देने वाला, औरों को यानी छाव देने वाला, ये हौसला केवल इस पेड़ के अंदर नजर आता है, और कभी को ये आया है। तो यहाँ कवि ये बात यदि यहाँ स्पष्ट बताना चाहते हैं कि चाहे बुरी मुसीबत में भी यानी औरों का साथ देना, और अपने जिम्मेदारी को औरों के प्रति की जो जिम्मेदारी है वह जिम्मेदारी निभाना, ये पेड़ अच्छी तरह से जानता है। और यही बात अगर हम मनुष्य के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो मनुष्य जब यानी किसी संघर्ष में होता है, किसी मुसीबत में होता है, किसी संकट का सामना करता हुआ नजर आता है, तो क्या उस समय में मनुष्य के अंदर ऐसे कठिन परिस्थिति में, ऐसे यानी प्रतिकूल परिस्थिति में यानी अन्य लोगों को संरक्षण देने की बात, ये जो विचार मनुष्य को कभी छूते हैं क्या? तो इसका यानी स्पष्ट उत्तर है, ये कभी नहीं छूते, क्योंकि हम जब मुसीबत में होते हैं तो औरों के दुख दर्द को लेकर हमें कोई लेना देना नहीं होता है। ये भूमि किसके है?
मानव की है, मनुष्य प्राणी मात्राओं की है। और यहाँ के भी ये बताते हैं कि चिड़िया के इस घोंसले को बिल्कुल इसको संरक्षण दिया है रात भर लड़ते समय। जब यानी मुसीबत खुद के ऊपर आ जाती है तो किसी के यानी किसी को सहयोग देने की बात, किसी को सहायता करने की बात, किसी को मदद करने की बात यानी हमारे अंदर बिल्कुल नहीं रहती है। और ये जो सीख है यहाँ पेड़ के माध्यम से औरों के प्रति मुसीबत में भी इन्हें अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निभाया जाता है इसका एक सुंदर चित्रण इन पंक्तियों के माध्यम से और पेड़ के जीवन दर्शन के माध्यम से मानवीय जीवन के लिए एक प्रेरणादायी बात यहाँ कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी हमारे सामने रखना चाहते हैं। तो बच्चों यानी क्या है, मुझे इस कविता को यानी इन पंक्तियों को देखते हुए एक बात जरूर याद आती है जो कि पिछले साल 12वीं कक्षा में एक कविता थी पेड़ की हत्या, जिसके कवि थे कुंवर नारायण जी। तो उन्होंने भी यही बात यानी जो पेड़ होता है वह जो पेड़ का जो जीवन है वह किस तरह से त्यागे उदारता का होता है, हिम्मत का होता है, औरों के लिए होता है। और पेड़ पौधे हमारे जीवन के अंतर्गत यानी एक कैसा बहुत ऐसा अंग है पेड़ों के पेड़ों का हमारे मानवीय जीवन के अंतर्गत, हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, हमारे जीवन के बीच यानी क्या है जीवन जीने वाला मानवीय यानी कि इन प्राणी मात्राओं को प्राणवायु देने वाला यानी अगर कौन हो सकता है तो ये पेड़ हो सकता है। पेड़ों का मानवीय जीवन के अंतर्गत या इस धरती के बीच असाधारण ऐसा महत्व है और यही बात यहाँ कभी हमारे सामने रखना चाहते हैं। तो बच्चों ये हुआ पेड़ का हौसला हमें क्या सिखाता है, पेड़ होने का अर्थ हौसला है, हिम्मत है। और पेड़ के माध्यम से हम ये सारी बातें किस तरह से अवगत कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, हम इस बातों को लेकर कभी ना कभी हमें चिंतन करने की जरूरत होती है। अगर ये बहुत कुछ यानी कि सिखा देते हैं, पेड़ एक शिक्षक के समान है, पेड़ एक गुरु है और उसी के माध्यम से ये ज्ञान प्राप्ति, जीवन दर्शन की ज्ञान प्राप्ति इस पेड़ों के माध्यम से भी हमें मिल जाती है। लेकिन देखने के लिए उतनी संवेदनशीलता हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। तो इस कविता का अगला हिस्सा भी हम देखना चाहेंगे। देखिए तो कवि क्या बताना चाहते हैं आगे। तो पेड़ दाता कैसा है इसके संदर्भ में कुछ काव्य पंक्तियां हमारे सामने रखी हुई है। तो पेड़ होने का अर्थ क्या है ये एक बात ने, दाता के रूप में पेड़ का स्वरूप क्या है ये सुंदर चित्रण यहाँ कवि ने हमारे सामने रखा है। जड़ तना शाखा पत्ती पुष्प फल और बीज, जड़ तना शाखा पत्ती पुष्प फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज, हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसने उसे पूजा, किसने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई, क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई। हमारे सांसों के लिए शुद्ध हवा, हमारे सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमार के लिए दवा, शव यात्रा शबु या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। तो यह शव यात्रा इसका अर्थ है विद्यार्थी मित्रों जो कि अंतिम संस्कार करने के लिए जब शव को यानी उस लकड़ी के ढांचे पर सुलाकर जब स्मशान भूमि तक लेकर जब हम लेकर जाते हैं उसे शव यात्रा ऐसा कहा जाता है। शगुन का अर्थ है शुभ मुहूर्त, मांगलिक कार्य, सौगात सौगात इसका अर्थ है भेंट, सौगात इसका दूसरा यानी संदर्भ अर्थ है विरासत। तो देखिए
कि कवि क्या बताना चाहते हैं। तो पेड़ के माध्यम से हिम्मत हौसला कैसा होता है ये बात हमने सीखी। अब पेड़ का दूसरा रूप क्या है देखिए, जड़ तना शाखा पत्ते पुष्प फल और बीज। तो ये जो पेड़ पौधे हैं हमारे इस धरती के ऊपर, कौन से पेड़ पौधे क्यों ना हो, उसकी जो जड़ें हैं, उसकी शाखाएं हैं, उसके पर्ण हैं, उसके बीज हैं, उसके फल हैं, ये जो सारी चीजें हैं हमारे ये सब पेड़ के जो अंग की सारी चीजें हैं। तो ये केवल पेड़ किसके लिए ये सारा ये सारी चीजें किसके लिए देता है, तो हमारे लिए, इस संसार के लिए, इस प्राणी मात्राओं के लिए ये सब कुछ यानी हर एक चीज होती है और पेड़ हमें दे देता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में अनेक यानी जैसे कि हमारे जो पर्यावरण यानी प्रेमी जो व्यक्ति है या हमारे जो किसान है, भारतीय संस्कृति में अलग अलग पेड़ पौधों की हम पूजा करते हैं और भारतीय संस्कृति में मानवीय जीवन का एक प्रतीक के रूप में पेड़ों की तरफ इन्हें देखा जाता है। तो इसके लिए इसकी पूजा हम करते हैं, किसान करते हैं, पर्यावरण प्रेमी करते हैं और ये पूजा का सिलसिला परंपरागत से रहा है इस संसार में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत। इसलिए हम ये पेड़ का हर एक हिस्सा हमारे जीवन के लिए, प्राणी मात्राओं के जीवन की जीवन के लिए होता है और इसका उपयोग हम करते रहते हैं। इसलिए कभी बताते हैं कि पेड़ का तना शाखा पत्ती पुष्प फल बीज सब कुछ जड़े, यहाँ तक जड़े ये सब कुछ मानवीय जीवन जीने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं और इसलिए हम पेड़ की पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरी भी बात है कि किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, किसी ने उसको ऊपर कुल्हाड़ी चलाई पर कोई बताए क्या पेड़ ने कभी दो बूंद आंसू गिराए। तो हमारे इस संसार में कुछ ऐसा भी वर्ग है जो कि इतना सब कुछ है देने वाला पेड़, इस धरती का धरती को सुंदर बनाने वाले पेड़, इस धरती के प्राणी मात्राओं को हर एक यानी क्या जीवन जीने के लिए हर एक चीज देने वाले ये पेड़, इतना अनन्य साधारण महत्व इस धरती के ऊपर पेड़ों का रहा है। लेकिन फिर भी हम ऐसे कुछ लोग हैं, स्वार्थी मनुष्य है कि हम पेड़ों के ऊपर कुल्हाड़ियां चलाते हैं, पेड़ों को यानी काट कर यहाँ शहर बनाए जाते हैं, पेड़ों को काट कर सड़कें बनाई जाती हैं, उस काटते समय पेड़ों को काटते समय हमें बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती है, बिल्कुल हमारा हृदय पसीजता नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग हैं, कुछ बिल्डर है, कुछ यानी क्या है अपने स्वार्थी लोग हैं जो पेड़ों को काट कर अपना चरितार्थ चलाने वाले भी कुछ लोग हैं। लेकिन इतना अन्याय इतना अत्याचार हम इस प्रकृति के साथ करते हैं, पेड़ पौधों के साथ करते हैं, फिर भी कभी संवेदनशील रहते हैं और उस दृष्टि से पेड़ के इस संवेदना को समझते हैं और कहते हैं, कभी क्या कहते हैं कि इतनी कुल्हाड़ियां चलाने के बाद भी पेड़ ने कभी आंसू गिराए हैं क्या, तो आज तक दो बूंद भी आंसू पेड़ ने कभी नहीं गंवाए पहले गिराए हैं। तो इतना इन्हें सहने के बाद भी वो रोता नहीं है। तो यहां क्या कभी बताना चाहते हैं कि मानवीय जीवन के अंतर्गत भी ऐसे प्रसंग होते हैं, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, कभी कभी ऐसे भी लोगों का सामना करना पड़ता है जो कुल्हाड़ी चलाने वाले ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसे भी प्रसंग मानवीय जीवन के अंतर्गत आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ऐसे प्रसंगों को डर कर हम अपने आंसुओं को गिरा कर वही चटपटा कर जीवन के रास्ते पर रुक जाना ये जिंदगी नहीं है। तो पेड़ों की तरह ऐसी भी परिस्थिति आ जाए तो भी आगे बढ़ना है, फिर भी यानी ये अपना जो धर्म है, अपना जो कर्म है,
जो कि एक पेड़ होने का अर्थ है औरों के लिए अपना जीवन समर्पित देना। ये जो उच्च कोटि का भाव है पेड़ के अंतर्गत जो होता है, यही बात यहाँ कभी इसकी तरफ संकेत कराना चाहते हैं। हमारे सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा शबूत या बारा सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। ये जो पुष्प है ये हमारे लिए यानी क्या है, एक सौगात है, विरासत है, भेंट है। चाहे आप उसके साथ बुरा व्यवहार कीजिए, पेड़ों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, वह बरसाएगा तो केवल फूल ही बरसाएगा। संत कबीर ने एक बात कही थी, देखिए कि बहुत अच्छी बात कही थी, यानी जो व्यक्ति आपने किसी के रास्ते पर अगर कांटे बिछाता है तो उस व्यक्ति के रास्ते पर हमें फूल बिछाने चाहिए, क्योंकि हम अपना यानी क्या है, जो कांटे बिछाने वाले लोगों के यानी खिलाफ यानी उसके ही रास्ते पर कांटे बिछाना, यानी वो कांटे बिछाने वाली प्रवृत्ति और हमें कोई फर्क नहीं हुआ, तो अच्छा आदर्श कौन सा है, तो फूल बिछाने चाहिए। यही बात यहाँ यानी पेड़ों के माध्यम से हमारे सामने आ जाती है। कवि बताते हैं कि ये जो पेड़ है हमारे लिए प्राणवायु दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करके ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। समझ लीजिए कि विद्यार्थी मित्रों, इस धरती पर अगर पेड़ पौधे न होते तो ये जो प्राणी मात्राएं हमें इस धरती पर नजर आती है शायद ये न नजर आते, क्योंकि ये प्राणवायु देने का और शुद्ध हवा देने का काम ये पेड़ करते हैं। और आज हम कितने भी उन्नत और प्रगति क्यों ना नहीं हुए हैं विद्यार्थी मित्रों, जरूर आप दावा करते हैं कि चांद के ऊपर गए हैं मंगल के ऊपर जाने के बाद, जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ अगर पेड़ों के माध्यम से अगर यानी क्या है जीवन को समझना है तो यहाँ कवि ये बताना चाहते हैं कि ये पेड़ हर एक बीमारी के ऊपर जो दवा बनती है ये पेड़ों के किसी न किसी हिस्से को लेकर ही बनती है। पेड़ पौधों के यानी पर्ण फूल पुष्प या कहेंगे कि शाखा तना, इसे छोड़कर कोई भी दवा आज हम नहीं बना सकते, इसी को लेकर ही इसके ऊपर यानी अनेक प्रकार की प्रक्रिया करके हम यानी दवाएं बनाते हैं। शव यात्रा शकुन या बारात, शव यात्रा यानी शव यात्रा के लिए यानी अगर यानी लगती है तो पेड़ों के तने लगती है, वहाँ इन्हें अगर इन्हें जलाने के लिए अगर लगते हैं तो लकड़ियाँ ही लगती हैं, अगर कोई मांगलिक कार्य है होम है हवन है तो अलग अलग पेड़ पौधों के तने लगते हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, ये पेड़ों के ही होते, पेड़ ही देता है हमें। और ये सारी जो सौगात है ये जो विरासत है पेड़ों के माध्यम से हमें मिलती है, और ये उदात्तता इतना यानी कुल्हाड़ी भी अगर आप उसके ऊपर चलाते हैं तो भी ये उदात्तता पेड़ों के पास है। तो यहाँ कभी बताना चाहते हैं कि पेड़ एक दानी है, और दान कैसा करना चाहिए और दानी व्यक्तित्व क्या होता है और दान धर्म का भाव कैसा होता है, ये सुंदर चित्र इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमारे सामने रखा है। और यही एक संकेत हमें मिलता है कि हम अपने जीवन के अंतर्गत यानी ये जो दाता का रूप पेड़ के पेड़ रूपी दाता का जो रूप है, अगर हम अपने मनुष्य के अंतर्गत ये दाता का रूप अगर आ जाएगा तो समाज और देश की उन्नति होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो ये और एक सच्चा एक अच्छा समाज और एक अच्छा आदर्श यानी देश यानी बनने में बिल्कुल देरी नहीं लग सकती है। तो ये एक भाव हमारे सामने दाता का भाव पेड़ के माध्यम से उभर कर आता है, एक सुंदर संकेत यहाँ कवि ने हमारे सामने रखा है। तो विद्यार्थी मित्रों आखिरी कुछ कहने के पंक्तियाँ जो हम देखना चाहेंगे, आदिकाल से आज तक, आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात, सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ, हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ, कवि को मिला कागज कलम साई, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन, जो हम उपयोग
नहीं करे, वह वृक्ष के पास ऐसा एक भी नहीं चीज है जो हम उपयोग नहीं करें। वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर थोड़े से शब्द है, साही ऐसा एक शब्द प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है इंक ऐसा करा जाता है। वैद्य हकीम का अर्थ होता है डॉक्टर अंग्रेजी में कहते हैं, चिकित्सक हिंदी में कहते हैं, आदिकालीन प्राचीन काल से। आसन ऐसा एक शब्द आ चुका है, आसन आसन का अर्थ है बैठने का स्थान। और यहाँ जो है ददीची है, ये ददीची यानी इसका अर्थ यह एक महर्ष ददीची का यहाँ संदर्भ आ चुका है। तो हम पहले काव्य पंक्तियों के मूल भाव या इसका भावार्थ पहले देखेंगे और बाद में इसका संदर्भ देखेंगे। तो कवि क्या बताना चाहते हैं, अधिकाल से आज तक सुबह शाम देता आया है मनुष्य का साथ। अब देखिए कवि इस सौभाग्यता के रूप में अपनी कुछ बात मौलिक बातें यहाँ रखना चाहते हैं। अधिकाल यानी प्राचीन काल से, जब से धरती बनी है तब से लेकर आज तक, वहां रामायण युग भी आ गया, महाभारत युग भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। प्राचीन काल से लेकर आज तक इस धरती पर प्राणी मात्राओं को, मनुष्य प्राणी मात्राओं को सच्चा साथ देने वाला एक ही साथी इस संसार में रहा है और वह एकमात्र है। इस संसार के बीच के पेड़ पौधे हैं, इनके अलावा अन्य कोई नहीं है। तो ये साथ किस तरह से देता है, तो देखिए कि कवि के लिए क्या देता है, कागज देता है। कागज बनता है पेड़ के तनों से ही बनता है, पेड़ पौधों के माध्यम से बनता है। कलम बनती है पेड़ पौधों के माध्यम से बनती है। स्याही बनती है पेड़ पौधों के फूलों के माध्यम से या अन्य अलग अलग हिस्सों के माध्यम से बनाई जाती है। कोई वैद्य हकीम यानी दवाई बनाते हैं तो पेड़ पौधों के कोई ना कोई हिस्से को, जड़ को लेकर बनाते हैं, तने को लेकर बनाते हैं, पत्तियों को लेकर बनाते हैं, फूलों को लेकर बनाते हैं। यहाँ तक कि सभी के लिए बैठने के लिए जो स्थान है, ये जो आधुनिक युग के अंदर हमने उन्नति और प्रगति इतनी की है, तो इस उन्नति और प्रगति के लिए यानी सहयोग देने वाला इस धरती के ऊपर के पेड़ पौधे ही है। चाहे किसी शासन प्रशासन के अंतर्गत अरे किसी दफ्तर अफ्तर भी जाइए, वहाँ बैठने के लिए कुर्सी है, वह पेड़ पौधों से बनी हुई है। बैठने के लिए सामने टेबल है, पेड़ पौधों से बना हुआ है। या किसी स्कूल कॉलेज में जाइए, बैठने के लिए डेस्क बनाइए, पेड़ पौधों से ही बनाए गए हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये पेड़ पौधों के माध्यम से ही बनती है और जीवन के, मानवीय जीवन के अंतर्गत सरासर अगर देखा जाए तो 99% मानवीय जीवन के बीच इस पेड़ पौधों का ही अंश है और इसका ही सहयोग है। और इसी के ही बल पर मनुष्य प्राणी मात्रा इस धरती पर जीवित है। और ये विवाद ने इस बात को भूला नहीं जा सकता है। आदिकाल से लेकर आज तक इस ये जो पेड़ पौधे हैं यानी हमें जीवन सिखाते आए हैं, जीवन को समृद्ध बनाते आए हैं। और हमारा संबंध यानी आदिकाल से प्राचीन काल से है, इसीलिए पेड़ पौधे हमारे संस्कृति का एक अंग है। और ये भी बात भुलाई नहीं जा सकती कि रामायण के अंतर्गत जब इन्हें लक्ष्मण मूर्छित होकर पड़े थे, तब इन्हें हनुमान जी ने हिमालय से संजीवनी बूटी लाई, ये पेड़ पौधों की ही थी, और वहाँ जाकर इन्हें लक्ष्मण को बचाया गया। तो ये भी बात नहीं रामायण के अंतर्गत आती है। तो हमारा सिलसिला पेड़ों के साथ बहुत प्राचीन काल से रहा है और भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न का हिस्सा यानी पेड़ पौधे रहे हैं। और भारतीय संस्कृति में इसकी मौलिकता अपार है, इसे बुढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए हम उपयोग में जो भी चीज़ें लाते हैं दिन प्रतिदिन रोजाना, तो इसमें बहुताओं से यानी पेड़ पौधों से बनी हुई चीज़ों का ही हम उपयोग करते हैं। और कवि एक बात आखिरी पंक्ति में कहते हैं, जी हाँ सच तो यह है कि पेड़ संत है, पेड़ दधीची है। कवि ने क्या बात कही, देखिए कि
पेड़ संतों की तरह है, पेड़ एक दाता है, निस्वार्थ भावना के साथ इस संसार के प्राणी मात्राओं को जीव जंतुओं के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना, उनके जीवन वैभव को संपन्न बनाने के लिए अपनी आहुति दे देना, ये जो त्याग है, ये जो उदात्तता है, ये निस्वार्थ भावना है, वो सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना है, संसार के उत्तरदायित्व की जो भावना जिस तरह से पेड़ रखते हैं उसी के अनुसार हमारे समाज के अंतर्गत संत रखते हैं। इसीलिए तो ऐसे व्यक्तित्व को लेकर महान संत हम ऐसा कहते हैं जो त्यागी है औरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और इस संसार के हित के लिए जो काम करते हैं, ऐसे लोगों को हमने हमेशा संत कहा है। तो पेड़ संत है। इसके आगे जाकर एक यहाँ संदर्भ में दधीची ऐसा एक शब्द प्रयोग हुआ है, तो ये जो इसका संदर्भ क्या है देखिए, और विद्यार्थी मित्रों इसे भी यानी देखना बहुत जरूरी है और अपनी बात सच साबित करने के लिए, ये कितनी मौलिक बात है इसे साबित करने के लिए कवि ने दधीची का संदर्भ दिया है। ये संत महर्षि यानी दधीची है जो कि इंद्रदेव और जो वृत्रासुर जो है इसके बीच यानी क्या है युद्ध हुआ और उसको यानी कि उसको वे मार नहीं सके, इंद्रदेव उसे मार नहीं सका। तब यानी इंद्रदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए क्योंकि ये भयंकर ऐसी अलग अलग शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया इंद्रदेव ने इस वत्रासुर को मारने के लिए, इस राक्षस को मारने के लिए, लेकिन वह मर नहीं पाए। ये बड़ी एक समस्या आ चुकी थी इंद्रलोक के ऊपर और इस समस्या को हल करने के लिए इंद्रदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। ब्रह्मा जी ने एक बात कही कि आप महर्षि दधीची के पास जाएंगे और ये तेज उनके पास है और वे इंद्रदेव इस महर्षि दधीची के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या बताई जो ऊपर आई हुई, जो कि अनेक शस्त्र अस्त्र का प्रयोग हमने किया लेकिन वह वत्रासुर का हम इन्हें अंत नहीं कर सके। ये बड़ी मुसीबत थी। अब आई हुई इस मुसीबत को पार करने के लिए ये जो महर्षि दधीची है इसके एक बात थी कि इनकी हड्डियों से बनाया हुआ यानी क्या है जो अस्त्र है, वज्रास्त्र जिसको कहा जाता है, उसी के माध्यम से इस वत्रासुर का अंत होने वाला था, ये विधि लिखित था। अब ये जो हड्डी है, हड्डी के माध्यम से ये जो वत्रास्त्र इन्हें निर्माण करना था, इसीलिए वे दधीची के पास गए। इस समस्या को देखते हुए कोई भी बात उन्होंने नहीं सोची समझी और उस महर्षि ने अपनी हड्डियां दे दी और उसी से इंद्रलोक ने फिर इसका वत्रासुर का अंत किया। तो ये भावपूर्ण सा दधीची का देखिए कि समाज के लिए और इस संसार के ऊपर आया हुआ जो संकट है, अगर मेरे आहुति से और मेरे हड्डियों से बनाए गए वत्रासुर के वत्रासुर का अगर अंत होता है तो वह बिल्कुल निडरता के साथ और बड़े अत्वीयता के साथ उन्होंने इंद्रदेव को अपनी ये हड्डियां दे दी। तो ये जो भाव है संतों का है, त्याग जो है ये संतों में हो सकता है, तुम्हारे हमारे सामान्य लोगों के बीच ऐसा भाव नहीं हो सकता है। इसीलिए कवि पेड़ को संत कहते हैं और संत दधीची है ऐसा भी कहते हैं, यानी पेड़ दधीची है, पेड़ संत है जो कि अपना इस सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए अपना पूरा शरीर भी त्याग सकते हैं, अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं, इसीलिए दधीची है, इसीलिए संत है। तो इस कविता के माध्यम से कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने पेड़ होने का अर्थ क्या है, पेड़ के स्वरूप क्या है, पेड़ हमें क्या सिखाता है, पेड़ हमारे लिए शिक्षक कैसा है, पेड़ हमारे लिए गुरु कैसा है, पेड़ के माध्यम से हम यानी क्या है दाता का रूप क्या होता है कैसा समझ सकते हैं,
दान धर्म ये जो बात है, औरों के लिए जीना, त्याग भरा जीवन जीना कैसा होता है, ये सुंदर परिचय इस पेड़ के जीवन के माध्यम से डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने हमारे सामने रख कर हमें इन पेड़ों के माध्यम से, पेड़ के जीवन के माध्यम से बहुत कुछ यानी सीखने के लिए मिलता है और हमें सीखना चाहिए, ऐसा एक सुंदर संदेश इस कविता के माध्यम से कवि ने यहाँ दिया है। धन्यवाद।